प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्ट्रीट वेंडर्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इसी कड़ी में ग्वालियर के इंदिरा नगर में रहने वाली अर्चना शर्मा भी पीएम से रूबरू हुई। प्रधानमंत्री ने अर्चना शर्मा के कामकाज के बारे में उनसे बातचीत की। इसके साथ ही उनके पति की तबीयत का हालचाल भी जाना। पीएम ने कहा कि वो अपने बच्चों को बेहतर ढंग से पढ़ाएं। बता दें, अर्चना शर्मा के पति सब्जी ठेला लगाने का काम करते हैं, लेकिन लॉकडाउन के दौरान उनका काम बंद हो गया। इसके साथ ही वह बीमार भी हो गए, जिसके बाद अर्चना शर्मा ने पीएम स्वनिधि योजना 10,000 रुपये का लेकर पानी टिक्की का ठेला लगाना शुरू कर दिया और इससे वे अपने परिवार चला रही हैं। अर्चना शर्मा की सूझबूझ के साथ परिवार का पालन पोषण करने की पीएम ने तारीफ की है। थोड़ी परेशानी आती थी, स्थिति सही नहीं थी। उसके बाद मुझे योजना का पता पड़ा कि मोदी जी का मतलब 10,000 का लोन आ रहा है। उससे मैंने जानकारी ली, मुझे लोग बागों से जानकारी ली, आस पड़ोस के लोगों से उन्होंने मुझे बताया। वहाँ से मैं नगर निगम गई, नगर निगम के अधिकारियों ने मेरा लोन पास करवाया। सेंट्रल बैंक से मुझे लोन पास हुआ। इवन इसमें 1,000 टिक्की मेरी रोज की निकल जाती है, 250 रुपये की मुझे बचत होती है। फिर मुझसे इसी बारे में सवाल पूछा था कि आपको कैसे लोन प्राप्त हुआ, कैसे मतलब, तो मैंने बताया उनको कि लोगों की मदद से हुआ, जब नगर निगम के लोगों की मदद से हुआ। आज माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने के उसमें कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। स्ट्रीट वेंडर की हितग्राही से चर्चा हुई। हमने 5,000 से ज़्यादा लोन डिस्बर्स किए हैं। 20,000 का टारगेट हम जल्दी पूरा करेंगे। जो भी स्ट्रीट वेंडर से जुड़े हुए लोग हैं, सभी को 10,000 की स्कीम का लाभ देने के लिए पूरा नगर निगम और जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। हम लोग इसमें बेहतर काम करेंगे।